मैंने तुमसे कहा था कि इस शादी को रुकवाओ, इनकार करो। तुम्हारे सामने कार्ड छप रहे हैं, तारीख दी जा रही है और तुम खामोश हो। मैंने बात की थी जोब, लेकिन दादा जान और आंटी नहीं मान रहे। I don't believe this excuse. ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पढ़ी लिखी लिबरल लड़की हो, जब तक तुम ना चाहो कोई जबरदस्ती तुम्हारी शादी कैसे कर सकता? ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। ऐसी ही बात है, और मुझे लगता है कि तुम भी मामा और दादा जान के साथ इसमें शरीक हो, सिर्फ मेरे सामने ढोंग रचा रही हो। और गलती मेरी है जो मैं ये समझा कि शायद तुम लंदन से वापस आने के बाद बदल चुकी होगी और एक दोस्त होने के नाते से मेरी फीलिंग्स को समझोगी, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी गई थी। तू जब यहां से गई तो मेरी उम्मीद बन गई कि अच्छा है कम से कम किसी ने तो यहां से जाने की हिम्मत की। अगर जब से तुम वापस आई हो तो मेरा इरादा और पुख्ता हो गया कि बेसहारा लड़कियों का इस दारुल अमान के अलावा कोई और रहने का ठिकाना ही नहीं है। इंसान की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तुमने मुझसे कहा कि सिद्दीकी ने तुम्हें बगैर एनओसी के यहाँ पे रखने की इजाजत दी, और जब तुम जाने लगी तो उसने तुम्हें रोका भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसने तुम्हें अपने लिए यहाँ पे रोक के रखा हो। जाहिर है खूबसूरत हो ना तुम, सिद्दीकी बहुत बड़ा शिकारी। देखो बीबी, अगर अभी तुम्हारे अंदर इस दारुल अमान को छोड़ने की हिम्मत है ना, तो खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से। ये जगह तुम जैसी शरीफ लड़की के लिए नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ? जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इस दुनिया ने तजुर्बा दे दिया। जब कोई शरीफ लड़की किसी लड़की से बात करती है तो वो मुसलसल उसकी आंखों में नहीं देख सकती। जब गुफ्तगू में कोई वाहियात बात आती है, कोई भी शरीफ लड़की अपनी आंखें चुरा लेती है। जब मैंने तुम्हें इस दारुल अमान में होने वाली बुराइयों के बारे में बताया तो तुम जमीन पर अपने पांव से मिट्टी को कुरेदती रही और इधर उधर अपनी निगाहें कर ली। तुमसे एक बात पूछूं, सिद्दीकी बता रहा था कि तुमने कत्ल किया है। हाँ किया है मैंने कत्ल, और उसका ही कत्ल किया जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करती थी, अपनी जान तक निछावर करती थी मैं उस पे। पर मुझे उसको कत्ल करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। क्या तेरा मतलब है कि मैं तेरे दादा से तेरी मामा से तेरी शादी रुकवाने की बात करूं? पागल तो नहीं हो गया? ताकि कभी कभार जो तेरे घर आना जाना हो जाता है वो भी बंद हो जाए। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं कर सकता। अगर तू बात नहीं कर सकता तो कोई रास्ता बता मुझे। तू अच्छी तरह जानता है कि तू शादीशुदा है। क्या मतलब शादीशुदा हूं? तू उस लड़की को भूल गया जिससे तेरा निकाह पढ़वाया गया, जिसे तू सरे बाजार अकेला छोड़कर यहां भागा है। गॉड, पहले कम परेशान हूं जो माजी का ये वाकया याद दिला के मुझे मजीद परेशान कर रहा है। एक आइडिया है मेरे पास। अगर तू अपनी होने वाली शादी के बारे में अपने दादा और अपनी मामा को सब कुछ बता दे तो हो सकता है कि ये सब जानने के बाद वो तेरी और निशा की शादी रुकवा दे। पागल हो गया? मैं उस शादी के बारे में उन्हें कैसे बता सकता हूं? क्यों नहीं बता सकता? तूने खुद वो शादी नहीं की, जबरदस्ती तेरी शादी करवाई गई, और तू पूरी स्टोरी उनको बताएगा तो वो क्यों नहीं मानेंगे? मतलब घर वालों के सामने खुद को काहिल और डरपोक साबित करूं कि मैं एक लड़की को बीच शहर में अकेला छोड़कर भाग आया जिसके साथ मेरा निकाह भी हुआ था। तेरी और निशा की शादी हो भी जाती और तेरी शादी के बाद वो लड़की ढूंढते ढूंढते तेरे घर पहुंच जाती और खुद को तेरी बीवी जाहिर करती है, तब तू अपनी फैमिली को क्या जवाब देगी? एक जू
मैं तुझे डिप्रेस करना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तुझे आजादी, तू चार शादियां कर सकता है, तू मर्द है, लेकिन कम से कम उस बेचारी लड़की के बारे में सोच जो तेरे निकाह में बंध चुकी। उसको अगर अब कोई अच्छा लड़का मिलता भी है तब भी वो शादी नहीं कर सकती। तो कुछ भी कर, कोई भी चक्कर चला, अपनी और निशा की शादी को रोक, उस लड़की के बारे में सोच। मुझे माफ़ कर देना बीबी, कल जब तुमने मुझे कातिल कहा तो मैं तुम पर खामखा बरस पड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जात की जिंदगी है, मुझे उसमें वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। देखो मैं ये अपना दुखड़ा हर किसी को नहीं सुना सकती, इसलिए तुम्हें सुनाने के लिए आई हूँ। मैंने कत्ल इसलिए किया था क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी, बसाना चाहती थी। अब तुमने शादी के लिए कत्ल कर दिया? नहीं बीबी, ये वजह नहीं थी। पहले तो मेरी बात तो सुन लो। हाँ सॉरी बोलो। मेरे माँ बाप की शादी के बाद 6 साल तक उनको औलाद नहीं हुई। तो मेरी माँ ने मुर्शिद से जाके तावीज लिया और मेरी माँ को ये लगता था कि मैं शायद मुर्शिद की दुआओं और तावीज़ की वजह से पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे बाप ने मेरा नाम सदफ रखा। सदफ के मायने मोती के होते हैं जो बहुत मुश्किलों से मिलता है, और मैं भी उस मोती की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे अपने गाँव के एक लड़के से प्यार हो गया जो मुझसे 8 साल बड़ा था। तुम ही बताओ बीबी, क्या मोहब्बत करना जुर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ? उसका नाम असगर था, प्यार से उसे फरहाद कहती थी और वो मुझे शीरी कहता था। हमारी जोड़ी बिल्कुल शीरी फराज जैसी थी, बहुत अच्छा था वो, पढ़ा लिखा था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, मोहब्बत किए जाने के लायक था। वो मुझे अक्सर कहता था कि मैं मुर्शिद की दुआओं और तावीज़ की वजह से पैदा नहीं हुई हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में 6 साल बाद ही भेजना था तो भेज दिया, इसमें तावीज़ का कोई कमाल नहीं है। और मुझे वो ये भी बताता था कि कुरान पाक में ये तावीज़ पीरी मुरीदी इसका कहीं नहीं लिखा हुआ। दुनिया में ये सब लोग इसलिए आए ताकि मासूम लोगों को पागल बना के पैसे लूट सकें, बेवकूफ़ बना सकें। वो मुझे जो बात भी कहता था मैं उस बात को अच्छे से याद कर लिया करती थी, अपने दिल में बसा लिया करती थी। हम उससे कहता था कि हम आज के दौर के शीरी फरहाद हैं और हम दुनिया में से ये सारी जहालत की रस्मों को मिटा देंगे। मैं उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। मैं फरहाद की मीठी मीठी बातें सोने का टुकड़ा समझ के चुनती थी और अपने दिल में महफूज कर लिया करती थी। मगर बदकिस्मती से उस मुर्शिद की बीवी मर गई और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस मुर्शिद से कर दी कि मेरी बाप की उम्र का था। क्या? तुमने मुर्शिद से? हाँ बेबी, मुर्शिद से। तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? मैं क्या कह सकती थी, अम्मा अब्बा जिद पर थे, कहने लगे तावीज़ से पैदा हुई हो, मुर्शिद की अमानत हो, उससे शादी कर लोगी तो आखिरत संवर जाएगी।
फिर क्या हुआ? फिर मैं मुर्शिद के घर सात पर्दों में कैद हो गई। मैंने वहां से फरहाद को पैगाम भी भेजा कि मुझे यहां से ले जाओ, आजाद कर दो मुझे यहां से, कि मुझे उस पर भरोसा था। तो वो आया, उसने वैसा ही किया? क्योंकि वो भी एक मर्द निकला, प्यार मोहब्बत की बातें सिखाकर, दुनिया से जीतने की नसीहत करके, जब वाकई में रस्म रिवाजों से लड़ने का वक्त आया तो वो भाग गया, छोड़ दिया मुझे और एक अमीर जमींदार की बेटी से शादी कर ली पैसों के खातिर, जैसे कि मैं को दिल बहलाने की चीज थी। उसने तो मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करता था। फिर एक दिन अपनी बीवी के साथ मुर्शिद के पास आया दुआएं लेने। जब मैंने उसको देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। बीबी तुम नहीं समझ सकती, जब कोई औरत किसी मर्द से प्यार करती है ना, और वो मर्द किसी और औरत के साथ नजर आए तो आग लग जाती है, दिल करता है कि उसको मार दो। और मैंने भी वही किया। तुमने उसका कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने उसका कत्ल कर दिया, बदला लिया मैंने उससे अपना, शादी के नाम पे पागल मुझे बनाया, शादी किसी और से कर ली। फिर जब पुलिस आई तो मैंने मुर्शिद का नाम ले लिया। मेरे हाथ पे कुल्हाड़ी देखकर उसने मुझे फरहाद को मारने को कहा। फिर पुलिस मेरे साथ मुर्शिद को भी ले गई और वो आज तक जेल काट रहे हैं। लेकिन कत्ल तो तुमने किया था, जेल वो क्यों काट रहे हैं? मैंने ये झूठ बोलकर साबित कर दिया था कि मुर्शिद ने मुझे और फरहाद को एक साथ देख लिया था, इसलिए उसने ही मुझे इस बात का हुक्म दिया था कि मैं फरहाद को मार दूं। और उस मुर्शिद से मैंने इसलिए बदला लिया क्योंकि वो तो बहुत दीनदार बनता था ना, बेटी जितनी उम्र की लड़की से जबरदस्ती शादी की उसने, इस्लाम में इसको कहाँ इजाजत दी गई है इस बात की? तो पुलिस ने पूछा नहीं कि तुमने मुर्शिद के कहने पर फरहाद को कत्ल क्यों किया था? बहुत बार पूछा बीबी, पर मैं एक ही बात कहती गई कि मुर्शिद का हुक्म था कैसे मना करती। पुलिस ने जब जब पूछा मैंने एक ही बयान दिया, तो आखिरकार उनको भी मानना ही पड़ गया। उस फरहाद ने मुझे एक बात सिखाई थी कि उसने कहीं किताब में किसी बड़े आदमी की बात पढ़ी थी कि झूठ को इतनी बार बोलो कि खुद को भी सच लगने लगे, और मैंने भी वही किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस ने मुझे औरतों की जेल में डाल दिया। जब रिहाई मिली तो लावारिस होने की वजह से यहाँ दारुल अमान भेज दिया, और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें उठाई हैं, अभी तो पता नहीं और कितने दुख झेलने दी थी। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद फरहाद में, मुर्शिद में, पुलिस वाले में और ये दारुल अमान के सिद्दीकी में कोई फर्क ही नहीं है। ये सब एक ही रूप के मुख्तलिफ मर्द हैं जो हम औरतों को मुख्तलिफ जगहों पर टकराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जो। जो बात करो सलमान, एक इमरजेंसी हो गई है, जितना जल्दी उसके घर आ जाओ। कैसी इमरजेंसी सो? खैर तो है, मैं फोन पर बता नहीं सकता, फौरन घर पहुंचो फिर बात होगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। अच्छा बस मैं निकल रहा हूं तो फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ बीबी, तुम्हारी आंखें क्यों भर आईं? मेरी कहानी ने तुम्हें दुखी कर दिया ना?
पता नहीं तुम्हारी कहानी ने दुखी किया है या कोई और वजह। कहते हैं बीबी, जब तेरा हाल सुन के किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब है कि तू किसी के दिल में जीता है। इसे तुम्हारा नाम क्या है? नायाब। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसने वाली बात ही तो है कि माओ बापों को किसने ये इख्तियार दिया होता है कि हमारे नसीब से उल्टे हमारे नाम रखते। तुम्हारा नाम नायाब, मेरा नाम सदफ। अगर तुम और मैं इतने ही नायाब और कीमती हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे वाह, बड़े राज न्याज की बातें हो रही हैं भाई। सदफ, तू तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, तो आज इसके साथ कैसे 2 घंटे से बैठ के महफिल जमाई हुई है? तो तुझे किस बात की फिक्र है, आजा तू भी बैठ जा, तेरे साथ ही महफिल जमा लेते हैं। बस आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो तेरे सुर्खी पाउडर के बारे में बात भी कर लेंगे। ना बाबा ना, मेरे सुर्खी पाउडर के बारे में कुछ ना कहना, ये मेरा अपना मामला है, बिल्कुल जाती मामला है, जाती। ये जो कंदील है ना बीबी, इसकी भी यकीनन कोई ना कोई बहुत दुखी कहानी है, मगर हमें से किसी को बताती नहीं है। बस हर वक्त इसी तरह तैयार घूमती फिरती रहती है और हमेशा खुश रहती है। खुश क्यों ना रहूं? जो गम जिंदगी ने दिया सो दिया, अब इसका मातम करके अपनी जिंदगी को खराब करूं? और बीबी, ये जो मैं मेकअप लगाती हूँ ना, ये मैं अपने पैसों से खरीद कर लगाती हूँ, सिलाई कढ़ाई से जो पैसे मिलते हैं ना उनमें से। ये मत समझना कि ये मैं किसी मर्द के लिए सिंगार करती हूँ, ये तो मैं खुद के लिए करती हूँ। खुद को शीशे में देखकर खुश हो जाती हूँ, यही तो मेरी अयाशी है। वाह कंदील, हम भी तेरी तरह खुश रह पाते, हमारी भी यही अयाशी होती। सलामुअलैकुम दादू जान। अरे वालेकुम सलाम। आओ बेटा सलमान, तुम अचानक कैसे आ रहे? अचानक तो नहीं दादू जान, आप ही लोगों ने मुझे बुलाया था। सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब खैरियत है, और हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। कमाल है। अरे ये ले, जोब का ही फोन आया था, कह रहा था कि फौरन पहुंचो, किसी तरह की इमरजेंसी है। मगर जोब ने तुम्हें किस लिए बुलाया? इसलिए कि जो बात मैं अकेले में कहना चाहता था बेहतर है सबके सामने हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। माना कि हम एक ही दादा के पोते, एक ही खून, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम अपनी बहन को शादी के नाम पर जबरदस्ती मेरे गले की घंटी बना दो। कैसी बातें कर रहे हो? फोन फोन सलमान, तुम्हारे बड़े मेरे लिए आप और मामा मेरे बड़े काफी हैं। इसके अलावा मैं किसी को अपनी जिंदगी के फैसलों का अख्तियार नहीं दे सकता। निशा की शादी इन्होंने नहीं, हमने तय की है। लेकिन भाई तो ये है ना उसका, और जब ये जानता है कि मैं एक बार इसकी बहन को ठुकरा चुका हूं, तो बार बार आप लोग की हां में हां क्यों मिलाता है? ये इसकी बहन के लिए शहर में रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जो दादा जान और आंटी की वजह से मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम हद पार कर रहे हो। कौन कह रहा है लिहाज करो? किसने मिन्नतें की हैं कि मेरा लिहाज करो? बस बहुत बदतमीजी हो गई, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अब आगे लफ्ज बोले तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोलूंगा, और एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, ये मेरा जाती मामला, ये मेरी जिंदगी है। मुझे क्या होता जा रहा है इसको? जिस तमीज कहके तुम्हें ये तरबियत दी थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे बात करने की तुम्हें तमीज नहीं? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सो बहू, बहू, मामा, अरे बहू, मामा थी, अरे देखो सलमान, देखो क्या बहू। भाई देख कंदील, अगर तू मेरे भी सुर्खी पाउडर लगा के मेकअप करेगी ना, तो मैं भी तेरी पक्की सहेली बन जाऊंगी। ना बाबा ना, अगर तेरे को मेकअप किया तो तू मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी, फिर मेरा क्या फायदा? मैं तो इस बीबी को मेकअप करूंगी, क्योंकि बगैर मेकअप के भी मेरे से और तेरे से ज्यादा खूबसूरत है। वाह भाई वाह, हमारी बारी में बुखल, और ये बीबी जिसको आए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, इसकी बारी में सखाफत ही सखाफत। कैसे हो तुम लोग? अरे बात सुन, तू यहाँ पे क्यों आई है? हाँ चल निकल यहाँ से, हम अपनी आपस की बातें कर रहे हैं। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? क्या हो गया सदफ? कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ।
अरे बीबी तुम नहीं जानती हो इसको, ये ना इधर की बातें उधर लगाती है, बहुत बदतमीज है ये। ए सदफ बस कर, मुंह संभाल कर बोल, नहीं तो वरना। नहीं तो क्या, हाँ क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? एक कत्ल कर चुकी हूँ मैं, दूसरा भी कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चल चल निकल यहाँ से, बढ़िया ही, मैं तुझसे डरती हूँ क्या? अरे तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? तुम सब लोग एक ही हालात का शिकार, अगर मजलूम मजलूम से लड़ेगा तो जालिम तो फायदा उठाएगा ना। तुम सबको तो प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। माही और सदा, आज से मैं तुम लोगों को लड़ते हुए ना देखूं। चलो यहाँ बैठो मेरे पास। सदा ठीक कहती है, ये सबकी टो में लगी रहती है, बातें इधर के उधर पहुंचाती है। ओफो, बाजी के मुतालिक मैंने बस बात सुनी थी तो वो ही बताने आ गई। किसने क्या कहा बीबी के बारे में? हाँ मुझे नाम बताओ उसका, उसकी आंखें फोड़ दूंगी मैं। बीबी अब अकेली नहीं है, दोस्त है मेरी। किसी औरत ने नहीं कही बल्कि सिद्दीकी साहब ने कही है। सिद्दीकी साहब ने मेरे बारे में क्या कहा? वो अपने दफ्तर में सुल्ताना को कह रहा था कि अब जो भी गनवन करनी है ना तो वो बिल्कुल खामोशी से चुपचाप करना, क्योंकि मिस नयाब को पता नहीं चलना चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बस मैंने ये सब दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुना और बताने आ गई तुम लोगों को। इसने नयाब को मिस नयाब कहा? अरे बीबी सिद्दीकी तो वो इंसान है जो अपने बाप का नाम तमीज से ना ले। मैं कोई मैडम नहीं, मैं भी तुम लोग जैसी ही हूँ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। बीबी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर उस सिद्दीकी ने तुम्हें गलत नजर से भी देखा ना मैं उसका खून कर दूंगी। सदफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये जो सिद्दीकी है ना बीबी तू इससे जरा बच के ही रहना, बहुत घटिया आदमी है ये, लड़कियों को खराब करता है। और इसकी जो चमची है ना सुल्ताना, खुदा के लिए उसकी बातों में हरगिज मत आना। कैसी तबीयत है सर? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मेडिकेशन जारी है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग दुआएं करें। जो अगर तुम्हारी वजह से मेरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे वाह बीबी, तू अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, कहाँ से मिला? लेकिन मिला नहीं है, मैंने मंगवाया है। अरे बीबी जरा पलटा ना इसको, इसमें वो जो सुर्खी पाउडर लगाने वाली और अच्छे अच्छे जेवर पहनने वाली लड़कियों का फोटो होते हैं ना, मेरे को वो देखना। इन लड़कियों को मॉडल्स कहते हैं। और ये मैं तुम्हें बाद में अखबार दे दूंगी, तुम देख लेना, अभी मुझे जॉब सर्च करने थे। क्या कर रही हो? क्या आप नौकरियां तलाश कर रही हो? अरे हाँ बीबी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, अंग्रेजी वगैरह भी आती है, तो कहीं पे तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? इस दोजख से तो निकलोगी, अपनी मर्जी से किसी जगह पे किराए पे घर ले लो। तुम ठीक कह रहे हो, उस दिन भी सिद्दीकी के कहने पे मैं यहाँ नहीं रुकी थी, यही सोच कर रुक गई थी कि कुछ दिन यहाँ रुकूंगी, जब तक अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती फिर चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी का मकसद किसी की तलाश है, मैं यहाँ अपना वक्त जाया तो नहीं कर सकती। खैर मुझे समझ तो आई है एक दो नौकरियां इसमें, मगर मुझे यहाँ रास्तों का नहीं पता है। ओहो बाजी परेशान होने की जरूरत नहीं, सदफ को तो शहर का चप्पा चप्पा पता है, इसको ले जाओ अपने साथ। पागल हो गई है क्या? अरे सिद्दीकी मुझे दारुल अमान से बाहर निकलने की इजाजत थोड़ी देगा। तुम अगर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो सिद्दीकी से इजाजत मैं ले लूंगी, लेकिन हाँ उसको कोई बताएगा नहीं कि मैं नौकरी के लिए बाहर जा रही हूँ। पेशेंट काफी रिकवर हो चुकी है, उनकी हार्ट बीट भी काफी नॉर्मल है, शी इज आउट ऑफ डेंजर,
बट उनको अटैक किसी वॉल बंद होने की वजह से नहीं बल्कि किसी गहरे सदमे की वजह से, बल्कि उनके वॉल्स तो इतने भी बंद नहीं थे कि उनको अटैक पड़ता, वो भी इतने शिद्दत के। आई थिंक वो अभी भी किसी सदमे में, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हैं। आप लोग मिल सकते हैं उनसे थोड़ी देर में, बट मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उन्हें कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी बैड न्यूज़ उनको ना सुनाए जिससे उनको सदमा पहुंचे, वरना दोबारा भी अटैक कर सकता है। आप इत्मीनान रखिए डॉक्टर साहब, हम उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू, शुक्रिया। ये आप क्या कह रही हैं मिस नाया, आप क्या ये मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है, हमारे यहाँ की लड़कियाँ और औरतें बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाती हैं, कपड़े डिजाइन करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अगर इन सारी चीजों की प्रॉपर मार्केटिंग की जाए तो दारुलमान का बजट बढ़ सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जहमत उठाना पड़ेगी, शहर में जाकर जगह जगह, करिया करिया, कूचा कूचा ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगी मार्केट के लिए चीजें। ये तो ख्वारी होगी ना? कोई ख्वारी नहीं होगी, मैंने सारे सैंपल्स को अलग कर दिया, बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए। अब इजाजत बात सुनिए, वो तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को साथ ले जाना ठीक नहीं है, और भी शरीफ लड़कियां हैं। देखिए इस लड़की को शहर के सारे रास्ते पता हैं, तो इससे मुझे काफी मदद मिल सकती है। भाई देखिए सीधी बात यह है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये बाहर निकल कर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे, कोई बात कर दे तो इंतजामिया तो मुझे पकड़ेगी ना कि भाई भेजा ही क्यों था। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से आपको परेशान हो, इसने वादा किया मुझसे। बस आप इजाजत दीजिए। ठीक है, आपके साथ मैं सिर्फ इसलिए भेजने की इजाजत दे सकता हूँ कि इससे हमारे दारुल अमान का फायदा है, गरीब औरतों का फायदा है। आहा, ले जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि अगर एक हफ्ते में कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं आपको और इसको दोनों को काम करने से रोक दूंगा। इसके नताइज इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे। आपने इजाजत दे दी उसका शुक्रिया, थोड़ी देर में हम सैंपल्स लेके निकलेंगे फिर। कौन बोल रहा? सुल्ताना को भेजो फौरन। हाँ जल्दी भेजो, भेज दो भेज दो। खैर ये लड़की तो सदफ को लेकर जा रही है, सदफ ने अगर पोल पट्टी खोल दी तो हमारी तो मुसीबत आ जानी। I'm sorry मामा, मेरी वजह से आप जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। अपने आपको वो बेटा नहीं कहलाना चाहता जो खुदा ने खास्ता अपनी माँ की मौत का सबब बना। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं निशा से शादी के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। आप बस मुझे माफ करते हैं और खुद को संभालें, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। दादाजान
मुबारक हो, जोब शादी के लिए राजी हो गया है। सच कह रही हो बेटी? जी। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, आखिर वो राह रास्त पर आ ही गया। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ, उसने अम्मी से कहा है कि उसे इस शादी पे कोई भी एतराज नहीं है और वो किसी को कोई टेंशन नहीं देगा। प्लीज दादा जान, उसे फोर्स मत कीजिएगा, वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, किसी मजबूरी की वजह से हाँ की होगी। तुम इस बात की फिक्र ना करो, शादी के बाद अल्लाह बेहतर करेगा। जोब जज्बाती जरूर है मगर वो निभाना अच्छी तरह जानता है। आओ बेटा, आओ। I'm sorry सलमान, मुझे तुमसे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटों से गलतियां हो जाती हैं। तुमने शादी के लिए हाँ करके हम सबके दिल जीत लिए। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं निशु, तुमने जॉब की मोहब्बत नहीं जीती, उसकी मजबूरी खरीदी है, और एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगी। सॉरी निशु, पर मैं ये शादी पर बिल्कुल अग्री नहीं करता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही हकीकत है। तो अब मेरे समझ में आई ये बात कि सिद्दीकी आखिर तुमसे इतना डरता क्यों है। पढ़ी लिखी हो ना तुम, और मैंने यही देखा है कि जो अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां होती हैं ना, इनसे मर्द बहुत रोब में रहते हैं, दब के रहते हैं। शायद ऐसा ही हो। तुमने तो कहा था कि मैं भी खूबसूरत हूँ, पर पूरे रास्ते में तो हर लड़का तुम्हें ही देख रहा था। जानती हूँ कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी तारीफ तो शायद लफ्ज़ों में हो भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ चलते हुए तो मैं शायद नौकरानी लग रही हूँ। मुझे ऐसी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें तुम खुद को गिरा दो। दुनिया ने इतना गिरा दिया कि अब इससे नीचे कोई जगह नहीं है। दुनिया भले जितना भी गिराए उनकी परवाह मत करो, बस कभी खुद को अपनी नजरों में मत गिराना। चलो ऑफिस आ गया। अरे बीबी, मैं कैसे अंदर जा सकती हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग होंगे अंदर, तुम जाओ ना अंदर। क्या करूँगी, क्या मतलब है, मेरे साथ रहना अंदर। नहीं नहीं बीबी, अंदर तो सारे बड़े लोग होंगे, मेरा क्या काम वहाँ पे, तुम जाओ ना अंदर। और अच्छा सा वो क्या कहते हैं, वो इंटरव्यू देखे आओ, और हाँ, चार छः अंग्रेजी के लफ्ज़ बोलना, यूँ तुम्हें झट से नौकरी दे देंगे। चलो तुम यहीं पर रहो, मैं आती हूँ। सर आपने जवाब नहीं दिया। हम तो लाजवाब हो गए जी। मेरा मतलब ये है कि किसी लड़की को मुसलसल इस तरह से देखना अच्छा नहीं है, खुद लड़की के लिए और मर्द के लिए भी। बट एनीवे, आप क्या कह रही थी? सर जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रेजुएट किया है इंग्लिश लिटरेचर में और मेरी सारी एजुकेशन कॉन्वेंट रही है। बट सर एक्चुअली आई हैव लॉस्ट ऑल माय डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, आप तो खुद दिलों पे हुक्मरानी करने के लिए बनाई गई है। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? सर आप न्यूज़पेपर में जॉब का एड देखकर क्या हर लड़की के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? शायद आप पहली मर्तबा नौकरी ढूंढने घर से निकली हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं हैं, कोई सिफारिश भी नहीं है, और आपको पता नहीं नौकरी ढूंढने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके लिए कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। <laughs>
क्यों उड़ा हुआ है? नौकरी नहीं मिली ना तुझे? कोई बदतमीजी वगैरह तो नहीं की तेरे साथ में? हाँ बोल। अरे इन हराम खोरों की ये मजाल मैं भी बता के आती हूँ, मट्टी पलित करके आती हूँ। अरे तो छोड़ मुझे। अरे मैं बताती हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई, समझते क्या खुद को? नहीं बीबी नहीं, इन वहशी लोगों की वहशत से घबरा कर तुम्हें अपने आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ये दुनिया वहशियों से भरी हुई है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो अपनी हिफाजत कर सकती हो। क्या खाक हिफाजत कर सकती हो? कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां इन दरिंदों के बीच रह के अपनी हिफाजत करती होंगी? 50% ऐसी होती होंगी ना जो मेरी तरह अपनी नौकरी को लात मारती है, वहां से भाग आती होंगी। बाकी की 50% जिनके कंधों पर अपने घर की कफालत है, जिनको देख जैसे मर्दों के आगे खुद को कॉम्प्रोमाइज भी कर जाती है। जब तक ये मजबूरियों के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले मर्द ऑफिस में बैठे, पढ़ी लिखी लड़कियां भी महफूज नहीं। बीबी तुम्हें आज मैं एक काम की बात बता रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कभी भी तुम ऐसी किसी परेशानी में पड़ जाओ तो मेरी बात को याद रखना। कोई भी घटिया इंसान तुम्हारे ऊपर किसी गलत नियत से इरादा रखे और तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत करना चाहे तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कमजोरी उसके सामने हरगिज जाहिर मत करना और उसके सामने डर के भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो इस तरह और इश्तियाल में आ जाएगा। तुम्हें ये सब बातें कैसे बताएं? वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे शहर के रास्ते ऐसे ही पता है? सिद्दीकी जैसे घटिया इंसान ने दुनिया की वो हकीकत का सामना करा दिया है जिसका शायद कभी सोचा भी नहीं था। दारुल अमान की हर एक लड़की, हर एक औरत अपने आप को गैर महफूज समझती है सिर्फ उस सिद्दीकी की वजह से, बस घटिया इंसान की वजह से। बस कर दो, बस पागल हो जाऊंगी ये सब सुन के। हम ये सब कुछ बर्दाश्त करके पागल नहीं हुए और तुम सब कुछ सुनकर ही पागल हो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।